और ये हम आए हैं इंडियन एयरफोर्स शो 2024, और अभी हम देखेंगे कैसे सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम आ रही है। ये फ्लॉक ऑफ एरोप्लेन्स जो है वो देखिए कैसे बर्ड फ्लॉक की तरह फ्लाई कर रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्बली कोऑर्डिनेटेड ये जो नज़ारा है। और भीड़ देखिए, भीड़ देखिए, कितनी सारी भीड़ है ये एयर शो देखने के लिए। ये एयर शो ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि ये देखिए उल्टा प्लेन चल रहा है, अब ये फ्लिप करेगा, ये देखिए अब ये फ्लिप करेगा और ये किया फ्लिप। मैं कह रहा था ये एयर शो जो किया गया है ये यही है कि एयरफोर्स की तरफ जो लगाव है आम जनता का वो बढ़ना चाहिए। ये देखिए एयर इंडिया बिल्डिंग है और हम ये मरीन ड्राइव पे अवे हैं फिलहाल, और ये पूरा नज़ारा हमने आपको दिखाया मरीन ड्राइव का, कैसी चहल पहल हो रही है, इतनी भीड़ मरीन ड्राइव पे ये एयर शो देखने के लिए। ये देखिए एरोबेटिक्स टीम वापस वहाँ से आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये उस तरफ क्यों जा रहे हैं, जब लोग इस तरफ है तो वो उस तरफ क्यों जा रहे हैं। सो वहाँ पे भी दादर चौपाटी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ये एयर शो देखने के लिए, इसीलिए ये जो एरोप्लेन्स है ये जो पायलट्स हैं इनको पूरा नज़ारा कवर करना पड़ेगा, दादर चौपाटी मरीन ड्राइव। सो इसीलिए ये उस तरफ से आधे जो फ्लाइट्स हैं वो भी आ रहे हैं और कुछ इस तरफ से भी आ रहे हैं। सो ये जो है ये जो किया जा रहा है, हमारा जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट का जो रनवे है वो यूज़ किया गया है। सो आप देख सकते हैं मेरे पीछे से सारी फ्लाइट जो आ रही है वो है, ये अगेन सूर्य किरण जो एक्रोबेटिक्स टीम है उनका फ्लॉक ऑफ फाइटर प्लेन्स जो है वो आया है। सो मैं कह रहा था कि ये जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है इसका रनवे यूज़ किया गया है ये फ्लाइट्स को टेक ऑफ कराने के लिए, और 1 से 2 घंटे ये रनवे नॉर्मल प्लेन्स के लिए बंद था इस दिन। सो ये सांता क्रूज एयरपोर्ट से उड़ान लेते हैं ये जो फाइटर प्लेन्स हैं और यहाँ पे आते हैं। अगेन ये देखिए दुश्मन को अगर चकमा देना हो तो 5 या 4 फ्लाइट्स उस तरफ से गई है, एक इस तरफ से गया है जो राइट में गया है। ये ऐसे ही ट्विस्ट एंड टर्न्स करके अपने दुश्मन को हमारी इंडियन एयरफोर्स टीम जो है वो चकमा देती है। ये जो पीछे से जो धुआं आ रहा है ये जस्ट हमें सिग्नल करने के लिए है, क्योंकि दूर से ये दिख नहीं पाएंगे जो एरोप्लेन्स हैं, तो इसीलिए ये किया गया है। वेरज ये बहुत कम होता है, ये पूरा इतना नहीं होता। तो ये देखिए अगर दुश्मन आपका पीछा कर रहा है तो आपको ऐसे हर एक डायरेक्शन में अपना जो प्लेन है वो लेके जाना है ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए। ये देखिए कितना उमदा शो है, कितना उमदा शो है। ये देखिए कैसे जो डायगनली इन्होंने क्रॉस किया है एक दूसरे को, सुपर सुपरली कोऑर्डिनेटेड है ये सब, और इतने बड़े खुले आकाश में। ये देखिए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखिए इनके, ये जो सुपरली कोऑर्डिनेटेड जो शो है ये इतने बड़े खुले आकाश में करना इतना आसान नहीं होता। कौन कहाँ से आए, कौन कहाँ को जाए, और स्ट्रेटली ये देखिए कैसा इसने क्रॉस किया इन 5ों एरोप्लेन्स को, और ये सीधा ऊपर चला गया आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए। ये बहुत ही सुपर नज़ारा था। ये जो ज़िंदगी के 1 घंटे है ये वर्थ इट थे, एकदम सुपर है। वो ट्विस्ट देखिए इनके, ट्विस्ट देखिए, और इन तीनों का कोऑर्डिनेशन भी देख लीजिए, इतना सुपरबली कोऑर्डिनेटेड शो है ये सब। ये देखिए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सुपरबली कोऑर्डिनेटेड है ये सब। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें जो पायलट्स हैं वो अलग ही मज़े कर रहे होंगे, पूरा पैशन दिख रहा है उनका, अलग ही मज़े कर रहे होंगे। ये देखिए एकदम नेक्स्ट लेवल मज़े हो रहे होंगे उनके, जैसे हमने रंग दे बसंती मूवी में देखा जो कॉकपिट्स में बात होती है, वही मैं यहाँ इमेजिन कर रहा था जब मैं ये लाइव देख रहा था कि ये भी बात करते होंगे कि हाँ मैं ऊपर से जा रहा हूँ, हाँ मैं नीचे से जा रहा हूँ। तो सुपरबली कोऑर्डिनेटेड है, मतलब इंडियन एयरफोर्स का डिसिप्लिन तो मतलब क्या ही बताएं।
हमने उनकी तारीफ करना छोटी चीज़ है, बट हाँ एक देशवासी के नाते ये तो बनता है। और वहाँ पे जो फ़क्र से हमारा सीना चौड़ा हो रहा था, वो तो हम अभी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, बट इतना ज़बरदस्त नज़ारा है। ये देखिए कैसे कर्ल करता हुआ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये तो एस्ट्रल वर्ल्ड का जिंगल याद आ गया मुझे, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, देखो 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 मेरा प्लेन कैसा उड़ा। सुपर सुपर है। ये देखिए ये भी जा रहे हैं आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए, सीधे ऊपर स्ट्रेट। मतलब क्या ही लेवल की ट्रेनिंग ली होगी इन्होंने। और ये जो एरोप्लेन्स है इनको जानबूझकर रेड कलर दिया गया है, ताकि ये जो हमें दिख पाए, हम जैसे आम जनता को ये नीचे से दिख पाए कि ये रेड कलर के जो फ्लाइट से इन्हें देखना है। अदरवाइज ये नॉर्मल ऐश कलर के होते हैं, ताकि नीचे से दिखे ना अपने दुश्मनों को। ये देखिए फ्री फॉल, मतलब अगर रोलर कोस्टर में हम फ्री फॉल में बैठे तो इतना डर लगता है, और हमें पता होता है कि ट्रैक से गाड़ी नहीं छूटेगी, बट ये जो प्लेन्स है इसमें फ्री फॉल में पायलट का क्या ही एक्सपीरियंस होगा, दम सुपर। ये देखिए इंडियन आर्मी हार्ट बनाते हुए, और हार्ट बनाते ही इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है। ये देखिए हार्ट शेप पूरा पूरा, इसका जो साइज एंड शेप है देखिए कैसे एग्जैक्ट बना है। मतलब कोई बंदा अगर ड्रॉ कर रहा हो कुछ तो भी उसका लाइक एक पार्ट हार्ट का बड़ा या छोटा हो जाता है, बट ये देखिए कैसे कोऑर्डिनेशन है इनका, और कितना सीमलेस एफर्ट था ये हार्ट बनाने का। और ये हार्ट बनाते ही इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है। आप सुन ही सकते हैं तालियां और जो प्रयोग हो रहा है उससे। ये देखिए हमारे पीछे से सीधा एंटर करता हुआ प्लेन सीधे आया पीछे से, और वी वर लाइक सरप्राइज टू सी दैट। और इतना नीचे से आया था कि इतना बड़ा प्लेन, और एकदम एकदम अच्छा नज़ारा है, और बहुत ही उमदा माहौल था वहाँ पे। ये वापस फ्लॉक ऑफ प्लेन्स आ रहे हैं, और लोगों की आवाज़, लोगों की चिल्लाहट आप सुन सकते हो कि कितना अच्छा माहौल बना है वहाँ पे। और ये 7 प्लेन्स का फ्लॉक, सुपरबली कोऑर्डिनेटेड फ्लॉक जा रहा है यहाँ से सीधा दादर चौपाटी के व्यूवर्स के लिए भी दर्शन दे रहे हैं वो। ये Su-30 MKI प्लेन जो है, देखिए कैसे बमबारी करते हुए जा रहा है, फ्लिप्स लेते हुए। ये सारी जो इंडियन आर्मी की ताकतें हैं, फ्लीट्स हैं, ये एक दर्शाने का काम यहाँ पे हो रहा है। बट यही बात है कि जो रफाल है जिसकी हम राह देख रहे थे वो नहीं आया है इसमें। हमने एक एयरफोर्स ऑफिशियल को भी वहीं पूछा कि रफाल देखने मिलेगा कि नहीं, बट नहीं है, वो अभी नहीं देखने मिलेगा। ये जो पुरानी फ्लीट्स है वही है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि ये एक जो सिटीजन्स हैं देश के, उनको आर्मी के प्रति प्यार बढ़ाने के लिए ये होता है। जैसे आप कुछ कम्युनिकेशन करते हैं किसी से, उससे आपकी नेटवर्किंग होती है, बट इंडियन एयरफोर्स का यही ज़रिया होगा कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन करने का, कि वो अपने कलात्मक दृष्टि से अपनी जो कला है वो अपने जनता को देखा है, क्योंकि वो हर एक से जाने के बात नहीं कर सकते या हमें अलाउ नहीं कर सकते वहाँ आने के लिए। एक्सट्रीमली लाइक सेंसिटिव जोन होते हैं इनके। ये देखिए बमबारी करते हुए जो सुखोई है वो कैसे उड़ रहे हैं, एकदम सुपरली कंट्रोल प्लेन्स है। जैसे ये देखिए कैसे बमबारी करते हुए जा रहे हैं प्लेन्स, सुपर सुपर। ये देखने का परम आनंद जो हमें प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम लाइक आभारी हैं गवर्नमेंट के, एयरफोर्स टीम के। इन्हें कहते हैं सारंग टीम। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मैन्युफैक्चर किए हुए ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ध्रुव है इनका नाम। देखिए जैसे कोऑर्डिनेटेड टास्क भी कर रहे हैं। ये जो रेड कलर दिए गए हैं, ये पूरी टीम का नाम है सूर्य टीम।
इनका काम ही यही है कि वो एक्रोबैट्स प्ले करने हैं अपने अपने जो फ्लाइट्स हेलीकॉप्टर्स हैं उसके साथ, सुपरली कोऑर्डिनेटेड हेलीकॉप्टर्स। एक्चुअली फ्लाइट्स तुम कैसे भी उड़ा सकते हो बट हेलीकॉप्टर का डिफिकल्ट होता है, तो भी इस लाइक लिमिटेड जो रिसोर्सेज है हेलीकॉप्टर के पास उसमें भी इन्होंने कुछ कर दिखाने का जो साहस किया है, देख सकते थे आप, एक हेलीकॉप्टर है जो वो ऊपर गया देन अगेन रिवर्स लेके गया है, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स लाइक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होते हैं, कैसे भी उड़ सकते हैं ऊपर नीचे, बट इतने फ्रीक्वेंटली स्विंग नहीं कर सकते जैसे कि प्लेन कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं इंस्टेंट रिवर्स ले सकते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर्स को बनाया जाता है, इंस्टेंटली टेक ऑफ इंस्टेंटली लैंड कर सकते हैं, रिवर्सल्स के लिए काम आ जाते हैं, जैसे फ्लाइट्स को पूरा सर्कुलर पोजीशन में रिवर्स लेना पड़ता है जो फाइटर जेट्स हैं उनको, वेयर एज हेलीकॉप्टर्स लाइक रिवर्स जगह पे कर सकते हैं अपने आप। सो इन लाइक इनके फ़ायदे भी होते हैं बट लिमिटेड कैपेबिलिटी से, ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते। उस कैपेबिलिटीज़ के साथ भी जो हमारे आर्मी प्रोफेशनल्स ने ये इनके साथ खेल कर दिखाया है वो बहुत ही सराहना है, बहुत ही सुपर था ये शो देखने में, जो मज़ा आया है। ये देखिए चारों कैसे लाइक दो दो कैसे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, लाइक ऐसे शोज़ देखने के लिए जाना होता है, मैं कहूँगा सभी जाएं ऐसे शोज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे बैठने की लाइक व्यवस्था भी की गई थी मरीन ड्राइव पर। इनसे लाइक क्या होता है तो आर्मी का मनोबल बढ़ाती है, जो भी परफॉर्मर है लाइक आर्मी ही क्यों, जो भी परफॉर्मर है अगर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है तो उस परफॉर्मर का मनोबल बढ़ता है। सोचिए ये ऊपर से आप सभी को देख रहे होंगे, आपकी तालियाँ देख रहे होंगे, ना कितना अच्छा लगता होगा कि हाँ मेरे देश की जनता मेरा जो प्रशंसा कर रही है, इसके लिए मुझे अपने काम पर खरा उतरना है, क्योंकि जंग के मैदान में कोई प्रशंसक नहीं होता। बट ऐसे टाइम पर यही टाइम होता है जिन्हें जिस टाइम पे हमें अपना प्यार दिखाना होता है इनके प्रति कि हाँ हम आपके लिए खड़े हैं। ये देखिए कैसे वर्टिकली हर को क्रॉस करते हुए, लाइक इनके कोऑर्डिनेशन की दाद देनी होगी, लाइक हमारे नॉर्मल जो लाइफ है इसमें भी हम लाइक ऑफिस में हो फैमिली में हो, हम सबका कोऑर्डिनेशन अगर ऐसे बना रहा तो सक्सेस तो लाइक मुट्ठी भर दूर है। यही है आप देख सकते हैं, ये देखिए कैसे ऊपर से नीचे राइट से लेफ्ट और अगेन रिवर्स। सो ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही होती है, ये एक दिन की परफेक्शन नहीं है, बहुत प्रैक्टिस की होगी इन्होंने तब जाके ये परफेक्शन आई है। और ये जो अपना स्काई है अपना आकाश है इसकी बुलंदियों को छूने का इनमें साहस आया है, नीचे जो पानी है अरेबियन सी का ये इनको लाइक अपने कुशन की तरह लगता होगा,